हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, हम सभी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सभी कार्यों को समय से करने के लिए घड़ी का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अगर हमें घड़ी में समय देखना नहीं आता है तो हम अपना कोई भी कार्य सही समय पर नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम घड़ी में समय देखना सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं बराबर बराबर दूरी पर लिखी रहती हैं, और बच्चों, हर 2 संख्याओं के बीच की दूरी को 5 बराबर भागों में बांटा गया होता है। बच्चों, कुछ घड़ियों में 2 सुइयां होती हैं और कुछ घड़ियों में 3। बच्चों, जिन घड़ियों में 2 सुइयां होती हैं उनमें छोटी सुई घंटे की और बड़ी सुई मिनट की होती है, और जिन घड़ियों में 3 सुइयां होती हैं उनमें सबसे तेज चलने वाली सुई सेकंड की होती है। बच्चों, छोटी सुई यानी कि घंटे वाली सुई घड़ी का 1 चक्कर 12 घंटे में लगाती है, और बड़ी यानी मिनट वाली सुई 1 चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है, और सेकंड वाली सुई को घड़ी का 1 चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लगता है। बच्चों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। आइए बच्चों, अब सीखते हैं कि घड़ी में समय कैसे देखा जाता है। बच्चों, इस घड़ी में घंटे वाली सुई 9 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर, तो इसका मतलब हुआ कि घड़ी में 9 बजे हैं। अब बच्चों, इस घड़ी में छोटी वाली सुई 3 पर और मिनट वाली सुई 1 पर है, तो बच्चों, इसका मतलब हुआ कि घड़ी में अभी 3:05 हुए हैं। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मिनट की सुई 1 पर होने से 5 मिनट कैसे हो गए। बच्चों, क्योंकि 12 से 1 के बीच की दूरी को 5 बराबर छोटे हिस्सों में बांटा गया है, तो ये 5 बराबर हिस्से मिनट वाली सुई के लिए 5 मिनट के बराबर होते हैं। यही अगर मिनट वाली सुई 6 पर होती तो बच्चों, 6×5=30 यानी घड़ी में 3:30 हुए होते। अब क्या बच्चों, आप इस घड़ी में देखकर समय बता सकते हैं? हाँ बच्चों, इसमें 5:50 और 10 सेकंड हुए हैं, क्योंकि इस घड़ी में बच्चों, घंटे वाली सुई 5 से आगे तो है परंतु 6 पर नहीं पहुंची है, और मिनट वाली सुई 10 पर है, यानी कि 10×50 यानी 50 मिनट को दर्शा रही है, और सेकंड वाली सुई 2 पर है तो यह 2×10 यानी 10 सेकंड को दर्शा रही है। इस प्रकार बच्चों, हम बहुत ही आसानी से घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। उम्मीद है बच्चों, अब आपको घड़ी में समय देखना आ गया होगा। बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको इन घड़ियों में दिए गए समय को अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।